दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आर्मोल भी आपका नहीं बढ़ेगा ना आपके इस जगह झोल आएगी। ऐसे ये चीज होती है ना, यहाँ काफी लोगों के झोल आ जाती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सैयद परवेज, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूफ फैशन प्लस। दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ना कभी आर्मोल आपका छोटा या बड़ा होगा, बिल्कुल सही कटेगा, ना आपके आर्मोल में झोल आएगी। आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पर झोल आ जाती है इस जगह, ठीक है। इस जगह जो झोल आती है वो बड़ी बुरी दिखती है, ना यहाँ पर झोल आएगी। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर जान लें इसका नाम। इसकी जो लंबाई है वो है 38 इंच, स्लीव्स है 15 इंच, स्लीव्स की गोलाई है 10 इंच, शोल्डर है 12 इंच, चेस्ट है 38.5 इंच और पेट है 35 इंच, हिप है 39 इंच, दामन है 20 इंच, आगे का गला 6 इंच, पीछे का गला 6 इंच बुकरम वाला, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले हटा देते हैं इसको और यहां लगाएंगे एक निशान इस तरीके से, ठीक है। निशान लगाने के बाद में इसकी जो लंबाई है वो है 38, तो हम 38 पे यहां एक निशान लगा देंगे आधा इंच एक्स्ट्रा करके, यानी कि 38.5 इंच पे, क्योंकि आधा इंच हमारा यहां पर जाएगा मार्जिन, तो हमने 38.5 पे लगाया। और नीचे आप तुरपाई के लिए, अगर तुरपाई करें तो 2 से 2.5 इंच, अगर तुरपाई ना करें तो यहां पर लेंगे आप केवल 1 इंच। अब दोस्तों आप यहां पर आर्मोल निकालने का तरीका देखें। जैसे यहां पर आप माने ये कि हमारा यहां पर जो शोल्डर है वो है 12 इंच। अब 12 इंच का हाफ 6 इंच हमने यहां लगा दिया, अब 12 इंच का हाफ 6 इंच हम यहां लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद शोल्डर कितना है 12 इंच, अब इसका आर्मोल कितना रखेंगे 6.5 इंच, यानी कि आपको हमेशा शोल्डर जैसे 12 है तो आपने उसका हाफ रखा 6 इंच, तो आप यहां पर आर्मोल रखेंगे 6.5 इंच। मान लो आप किसी का शोल्डर है 13 इंच, 13 का हाफ करेंगे 6.5 इंच, तो आप उसका रखेंगे 7 इंच, यानी कि जितना आप यहां पर शोल्डर रखेंगे उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है अपना आर्मोल। तो यहां पर हमने एक निशान लगा दिया, इसको भी कर लेते हैं बिल्कुल सीधा। अब दोस्तों इसके बाद यहां पर एक निशान लगाएंगे हम इस तरीके से कि 6.5 इंच रखेंगे यहां पर और 13 इंच रखेंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां से जो टोटल हमारी इस जगह से जो आएगी, जो चाक जहां पर खोलते हैं, तो वो आया है यहां पर 19 इंच पे। अगर कोई हैवी साइज होता तो ये 20 और 21 इंच पे भी आ जाते। ठीक है, इसकी चेस्ट है 38.5 इंच, कमर है वो है 35 इंच यानी पेट, और इसकी जो हिप है वो है 39 यानी 39 इंच, और दामन है इसका 20 इंच। अभी हमने कुर्ती से नाप लिया है, इसमें हमें कोई लूजिंग वगैरह नहीं छोड़ना है। तो यहां पर है ये 38.5 इंच, अब इसका हम करेंगे 1/4 हिस्सा, तो दोस्तों ये हो गया 9.5 इंच एक सूत, ठीक है। उसके बाद यहां 35 इंच, 35 का हम करेंगे 1/4, हो गया 9.5 इंच। अब यहां पर हिप का करेंगे 1/4, ये हो गया हमारा 9.5 इंच। अब दामन लेंगे यहां पर 20 इंच, 20 का हाफ 10 इंच। उसके बाद में यहां पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो 1 इंच यहां ले लेते हैं, 1 इंच यहां ले लेते हैं, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि हमारे कुर्ती में तुरपाई नहीं सिलाई होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो लेंगे 2.5 इंच और यहां पर लेंगे 2 इंच, आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हमने जो यहां पर 6 इंच रखा था शोल्डर और 6 इंच रखा यहां पर, ठीक है, ये चीज अब हम यहां लगाएंगे 5.5 पे, आधा इंच कम कर देंगे और इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, अब यहां पर इस प्रकार एक मार्क खींचेंगे और यहां पर हम 1 इंच पे एक निशान लगा देंगे इस तरह, और आपको दे देना है यहां पर गोलाई। गोलाई देने के बाद अगर दोस्तों आपका नेक डीप है, यानी कि 9-10 इंच है पीछे का, तो आप यहां पर देखो इस तरीके से शेप देंगे नेक की तरफ, ठीक है। अगर आपका नेक नॉर्मल है 6-6.5 इंच का, तो आप इधर इसका शेप देंगे, ठीक है, शोल्डर की तरफ। तो मैं यहां शोल्डर की तरफ दे रहा हूं। यहां पर एक बात आती है, कुछ लोग यहां पर कटिंग करते हैं इस तरीके से, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है, चेस्ट वाला।
इस तरीके से आपको कभी कटिंग नहीं करना है। आप इस टाइम सोचते हो कटिंग सही हो रही है, ठीक है, मगर सब जगह कटिंग सही है, मगर चेस्ट पे आके हमारी कटिंग गलत हो गई। तो आप यहां पर यही देखें, ठीक है, तो हमें यहां पर 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस तरीके से एक निशान को सीधा कर देंगे। अब दोस्तों इसका मैंने आपको नाप भी नहीं बताया था। अब इसकी जो लोअर ब्रेस्ट है वो है 37.5 इंच और जो अपर ब्रेस्ट है वो है 38.5 इंच, यानी कि 1 इंच का फर्क है। इसी से हमारे आर्मोल में झोल आ जाती है, जो आर्मोल बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला निशान हमें यहाँ नहीं लगाना है, ये यहाँ लगाना है। ये यहाँ पर कितना लगाया हमने, 9 × 36 = 37 = 38.5, यानी कि 9.5 एक सूद ये आया हमारा, देख रहे हैं आप। अब यहां पर है 37.5 इंच के, यानी कि 1 इंच कम, तो यह है 9 × 36 = 37 = 37, ये आया, देख रहे हैं आप। यहां पर हम कह रहे हैं भले 2 सूत का फर्क है, 3 सूत का फर्क है, मगर फर्क है। इससे क्या होगा, अब हमारा आर्मोल आया था यहां पर, अब आर्मोल आ गया यहां पर। देखो मैं आपको निशान लगा के बताऊं, ये देखें, ठीक है, और ये देखें, ये है सही तरीका निशान लगाने का। तो आप अगर इसी तरीके से कटिंग करेंगे ना, और पहले वाला निशान हमारा कौन सा है, ये आएगा, ये यहां से अगर आप अटैच करेंगे तो ये आएगा, आप देख सकते हैं ये वाला मैंने हल्का सा लगाया है। तो आप देखें यहां पर, देखो जो सीने का उभार होता है वो इस जगह होता है, ठीक है, तो हमारा यहां पर फूलना चाहिए ये जगह, और आपका आर्मोल भी कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ करीब 1/2 इंच से कुछ कम आर्मोल बढ़ रहा था पहले, क्योंकि ये वाला निशान था ये वाला, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहां बता दिया, अब आप यहां पर इस तरीके से दें मार्जिन, और यहां पर मार्जिन का निशान लगाएं, नीचे यहां पर निशान लगा दे चाकू का। दोस्तों यहां पर अब हमारी कुर्ती हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। अब आप जब यहां पर कभी भी नेक बनाएंगे अपना और कंधी वगैरह जोड़ेंगे, आर्मोल वगैरह चढ़ाएंगे, तो यहां पर देखो ठीक कच्ची होना चाहिए, कितनी, 3 इंच। तो जो दोस्तों यहां पर बिल्कुल 3 इंच है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दबाव देंगे और यहां कड़ाई से हमारा नेक बन जाएगा। जब हम यहां पर 1/2 इंच का दबाव देंगे दोस्तों, तो हमारी ठीक रह जाएगी 2.5 इंच, जबकि 2.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट होगी, जो इस तरीके से हमारे यहां पर मार्जिन जाएगा, तो हमारे यहां पर 2.5 इंच की ठीक रह जाएगी, जो यहां पर कभी भी झोल आने वाली नहीं है। तो दोस्तों इस सामने को हम कर लेते हैं कटिंग। अब यहां पर हम एक निशान लगा देंगे इसके नीचे, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, जो हमें यहां पर सिलाई लगाने में दिक्कत बिल्कुल ना आए। अब हम बिछाएंगे अपनी बैग। अब दोस्तों हमने यहां पर बैग पल्ले कटिंग करने के लिए बिछा दिया है। यहां पर आप नाप लें, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, 12.5, यहां पर भी 12.5 है और यहाँ पर भी 12.5 है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप नाप लें, जिससे क्या होगा कि हमारी कुर्ती एक तरफ को नहीं भागेगी। अब यहाँ पर बिछा लेंगे हम बैग अपनी, ठीक है, वो सॉरी सामना, बैग कटिंग करने के लिए। तो हमें इस तरीके से अपने सामने को बिछा लेना है। अब सामना बिछाने के बाद दोस्तों कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारी कुर्ती ऊपर को चढ़ती है, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी वीडियो में बता रखा है दोस्तों, आपकी कुर्ती बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे। जैसे मान लो हमारा सामना है ये, तो हमें यहाँ पर 1/2 इंच अपनी बैक को एक्स्ट्रा कटिंग करना है, जिसकी वजह से हमारी जो सामना है वो कभी भी ऊपर को नहीं चढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से लगाएंगे एक निशान अपनी बैक कटिंग करने के लिए, ठीक है, और अपनी बैग को कर देंगे आप कटिंग। हम यहां लगाएंगे एक कट यहां लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा यहां पर ये कुर्ती कटिंग हो चुकी है। अब तो यहां पर हमारी 15 इंच तो आ जाएगी, मगर यहां पर हमारा कंछी आएगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद यहां लगाएंगे हल्का सा जो कन्नी है, कटिंग करेंगे। उसके बाद यहां पर हमें लगाना है लंबाई का निशान स्लीव्स की, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर 15 इंच है, तो 15 कर लिया हमने यहाँ पर, और 1/2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा, जो हमारा यहाँ पर मार्जिन जाएगा आर्मोल चढ़ाते टाइम, और 1 इंच लेंगे हम यहाँ पर फोल्ड करने के लिए, और इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसका आस्तीन का जो मुंह है वो है कितना, 10 इंच। 10 के बाद यहाँ पर हम लेंगे हाफ, 10 का हाफ लेंगे 5 इंच। उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम 3 इंच,
इस तरीके से 3 इंच के बाद हमें यहाँ पर आरमोल का एक जो निशान लगाना है वो लगाना है 8 इंच पे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया 6.5 इंच, ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पर 8 इंच और इस तरीके से यहाँ पर हम शेप दे देंगे। शेप के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इसमें देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर कढ़ाई से मिला के आप नेक बनाना चाहते हैं बिल्कुल किनार से कढ़ाई से मिला के, तो दोस्तों हमारी वीडियो देख सकते हैं रूफ फैशन प्लस यूट्यूब चैनल पे जाके सिलाई की। दोस्तों हमारा यहाँ पर कटिंग हो चुकी है कुर्ती। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।